जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्गी। तो अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो अल्गी होते हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एटमॉस्फेयर से CO2 को यूज़ करते हैं और लाइट की प्रेजेंस में CO2 को एक यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं जिसमें वाटर भी इन्वॉल्व होता है। ये बहुत सारे एक्वाटिक एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं जैसे कि फ्रेश वाटर एंड मराइन हैबिटेट्स। अगर हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है हम इन्हें ऑटोट्रॉफिक भी कह सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब कि जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, जो कि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं। अल्गी जो है वो यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर तक के देखी जा सकती है। बहुत सारी जो अल्गी होती है वो एक्वाटिक होती है, कुछ जो होती है वो टेरेस्ट्रियल होती है जो कि मॉइस्ट हैबिटेट में रहती है। उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो थैलॉइड बॉडी कहलाता है, वो थैलस स्ट्रक्चर कहलाता है। थैलस हम उन्हें कहते हैं जिनमें रूट, स्टेम और लीव्स डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये इमेज में हम देख सकते हैं कि लीफ, ये जो ब्लेड्स जो हमको ये लीफ की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको ब्लेड कहा जाता है वो प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो रूट की तरह हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर उसे होल्ड फास्ट कहते हैं, वो प्रेजेंट है। होल्ड फास्ट क्या करता है, किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच होता है फॉर द सपोर्ट, ताकि वो इरेक्ट खड़ा रह सके। तो इस तरीके का, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी रूट, स्टेम और लीफ डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। हम इन ब्लेड्स को ये लीफ है ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि इनका स्ट्रक्चर काफ़ी वैरी करता है। इसके बाद ये जो होल्ड फास्ट होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं और अटैचमेंट के लिए होते हैं। यहाँ पर आप जो पहली इमेज देख रहे हो इसमें आप देख सकते हो कि यूनिसेलुलर अल्गी प्रेजेंट है, जैसे क्लाइमिडोमोनास, ये भी यूनिसेलुलर अल्गी है। और जो सेकेंड इमेज है आप ये देख सकते हो, इन्हें जायंट केल्प कहा जाता है जो कि बहुत सेवरल मीटर लॉन्ग होता है। इसका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा मैक्रोसिस्टिस। तो ये जो दो तरह के हम देख रहे हैं तो देख सकते हैं कि कितना डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पर पहले जो है वो यूनिसेलुलर है और दूसरा यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक है। तो दूसरी इमेज में हम देख सकते हैं कि जायंट केल्प है जो कि सेवरल मीटर्स लॉन्ग होती है। इनकी साइज और शेप वैरी करती है माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर से लेके लार्ज मल्टीसेलुलर सीवीड्स तक। ये जो है इनमें जो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। अल्गी में डिफरेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो उनको अलग अलग कलर्स देते हैं। जैसे कि जो ग्रीन अल्गी होती है उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो ब्राउन अल्गी होती है उनमें फ्यूकोजैंथिन होता है, जो रेड अल्गी होती है उनमें फाइकोएरिथ्रिन होता है, और ऐसे कई सारी क्लासेस इसमें आते हैं जिनमें अलग अलग पिगमेंट्स की वजह से इनके अलग अलग कलर्स अपीयर होते हैं। इसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देख सकते हैं कि जो प्लांट बॉडी है, जो अल्गी है, वो डिवाइड होती है बाय द मीन्स ऑफ फ्रैगमेंटेशन या स्पोर फॉर्मेशन। जैसे कि इस इमेज में, पहले इमेज में जो कि है स्पाइरोगायरा की इमेज, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पे सेप्टम फॉर्म हुआ है वो सेप्टम से दो फिलामेंट्स जो है वो ब्रेक हो रही है और फ्रैगमेंट्स का फॉर्म हो रहा है। ये जो फ्रैगमेंट्स का फॉर्म हुआ है अब ये दो डॉटर सेल कहलाएंगे और ये इंडिपेंडेंटली ग्रो करेंगे इंटू अ न्यू प्लांट, इंटू अ न्यू अल्गी। तो ये जो है ये एग्जाम्पल हो जाता है फ्रैगमेंटेशन का, जो कि दिखाता है कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनमें। और अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वो कैरा में देखा जाता है। इसमें आपको न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल मिलता है। ग्लोब्यूल इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेयर एज न्यूक्यूल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वही नीचे में जो इमेज है यूनिसेलुलर क्लाइमेडोमोनास की, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है जहाँ पर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और स्पोर्स के थ्रू जो है मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पर ये जो अल्गी होती है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं और ये ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड करते हैं फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स, जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे कि हम देखते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, तो फाइटोप्लैंक्टन्स में भी कई सारी अल्गीज आ जाती है, इन पर फीड करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से ये फूड भी प्रोवाइड करती है और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती है। एक बहुत अच्छा फैक्ट है अल्गी के बारे में कि अल्गी जो है ये अर्थ का
हाफ ऑक्सीजन तो यही प्रोवाइड करती है, जो कि अर्थ पे प्रेजेंट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। अब जो कुछ स्पीशीज होती है एल्गी की, वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज़ होती है, कुछ फूड प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है, जैसे कि कुछ सी वीड्स जो है वो फूड प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, बायोफ्यूल्स में यूज़ किए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ किए जाते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में जो कैप्सूल होते हैं उनमें जो कवर होता है आउटर, वो भी एक तरह के एल्गीज से बनता है। जो माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें जो जेलीफाइंग एजेंट्स होते हैं जैसे कि अगार हो गया, तो ये सब भी एल्गी से ही आते हैं। फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी एल्गी का यूज़ होता है, और ये एज एनवायरमेंटल इंडिकेटर एक्ट करते हैं। एनवायरमेंटल इंडिकेटर यानी कि अगर कोई पोल्यूटेड वाटर है तो वहाँ पर ये कुछ जो एल्गीज होती है वो एकदम फ्रेश वाटर में पाई जाती है जहाँ पर कोई पोल्यूशन ना हो। तो अगर ऐसी एल्गी वहाँ पर नहीं मिल रही है जो कि ओरिजिनली वहाँ पर पाई जाती थी, तो वो इंडिकेट करता है कि वाटर इज़ पोल्यूटेड, और ऐसी अदर अलग अलग तरीके से वो एनवायरमेंटल इंडिकेटर की तरह पर बिहेव करती है। तो ये सब कुछ था एक शॉर्ट में, इन शॉर्ट अलगी का कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आई होप कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का थोड़ा आइडिया आपको आया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।